बिहार राज्य के सहरसा नगर निगम में शनिवार की सुबह कार्यालय के मुख्य द्वार पर सफाई कर्मियों ने जमकर नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में सफाई कर्मियों का नेतृत्व कर रहे राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक के जिलाध्यक्ष सत्यनारायण चौपाल ने कहा कि सफाई कर्मियों का वेतन 3-4 महीने से नहीं मिला है, साथ ही न तो इसके पास आईडी कार्ड, ड्रेस, जूता यानी किसी तरह की सुविधा विभाग के द्वारा नहीं दी गई है। साथ ही ईपीएफ में भी घपला नजर आ रहा है। इन सफाई कर्मियों का भी परिवार के छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका गुजर बसर कैसे चलेगा। नगर निगम प्रशासन इनके मामले में पूरी तरह से मौन धारण कर रही है। और सफाई कर्मी सूरज कुमार साहनी ने कहा कि हम लोगों को पूरी तरह से फुटबॉल बना दिया गया है। अपनी समस्या लेकर अगर एजेंसी वालों के पास जाते हैं तो वो मेयर के पास भेज देते हैं, इधर आते हैं तो वो उधर भेज देते हैं, बस इसी तरह चलता रहता है। लेकिन हम लोगों की समस्या जस के तस बनी हुई है। वेतन नहीं मिला है और बढ़ोतरी पैसा भी आता है वो भी नहीं मिलता है। टाइम टाइम पर पैसा नहीं मिलता, हम लोग हड़ताल करते हैं उसके बाद पैसा मिलता है, बिना हड़ताल का कोई पैसा नहीं मिलता है। उसके बावजूद भी हम लोग इतना बीमार चल रहा है, बाल बच्चा वो तो खाने पर लाला पड़ गया है, घर गृहस्थी चलाना मुश्किल हो गया, हम लोग कहाँ जाएंगे। नगर निगम प्रशासन जो है उनको नहीं वो सुनवाई कर ही नहीं रहा है, वो बोल रहा है एजेंसी के पास जाने, एजेंसी के पास जाते हैं बोलता है वहाँ से पेमेंट ही नहीं हो रहा है हमको, मेयर साहब के पास जाते हैं तो वो भी बोलती है कि यहाँ आने के लिए क्या कर सकते, क्या चाहते हैं आप। हम लोग को चाहिए कि पेमेंट सही सही में पेमेंट हो, 3 महीने का वेतन भुगतान किया जाए। क्या नाम हुआ आपका? सूरज कुमार सहनी। चल रहा है अभी तक हम लोग को वेतन का कोई सुनवाई नहीं ले रहा है। मेयर के पास जाते हैं तो वो बोलता है कि इसका पास आइए, नगर आयुक्त के पास आइए। नगर आयुक्त के पास आते हैं तो कहता है कि हम नहीं रखे हैं, मेयर के पास जाइए। इसमें बीच में हम लोग पिसा रहे हैं, हम लोग को घर में राशन पानी सब खत्म हो गया है, बच्चा सबको घर से निकाल दिया है, स्कूल से निकाल दिया है, हम लोग रेंट पर रहते हैं, घर से बर्तन बासन सब फेंक दिया है बाहर, हम लोग रहने के लिए हम लोग को जगह नहीं मिलता है, कहाँ रहे। हम लोग को काम करते हैं, हम लोग को बढ़ोतरी पैसा आता है वो भी नहीं देता है, जो भी पैसा देता है 6,000-7,000 जो भी देता है उसमें भी घपलाबाजी होता है। क्या नाम है आपका? सोनी देवी। प्रदर्शन कर रहा है ये सफाई कर्मचारी है और निगम सहरसा में कार्यरत है एजेंसी के द्वारा। 3 महीने से इन लोगों को एजेंसी द्वारा वेतन नहीं दिया जा रहा है, चौथा महीना चल रहा है। और जब ये लोग यहाँ काम करता है तो यहाँ से पैसा मिलता है, घर चलता है, लेकिन आज 4 महीना होने जा रहा है इन लोगों को वेतन नहीं मिल रहा है। इन लोगों के घर में भुखमरी छा गई है, बच्चे का पढ़ाई बाधित हो गया है, बच्चे का दूध बाधित हो गया है, घर में जो बीमार बुजुर्ग है वह इलाज के अभाव में मर रहा है। ये लोग भूखे पेट कहाँ से काम करेगा, सभी लोग भाड़े के घर में रहते हैं, भाड़ेदार इन लोगों को घर से निकाल रहा है, तो आखिर ये लोग कैसे काम करेगा, कैसे शहर में रहेगा। प्रशासन उदासीन है, नगर निगम प्रशासन इन लोगों के बात पर ध्यान नहीं देता है। जब जाता है ये लोग कंप्लेन करने तो ये कहता है एजेंसी के पास जाओ, एजेंसी कहता है आयुक्त के पास जाओ, इन लोग को फुटबॉल बना दिया है, काम तो लेता है पैसा नहीं देता है, कोई सुविधा नहीं है। क्या मांग है? मांग है तो समय पर वेतन मिलना चाहिए इन लोगों को, हर आदमी को आइडेंटिटी कार्ड मिलना चाहिए, वर्दी मिलना चाहिए, काम के लिए जूता मिलना चाहिए, ईपीएफ मिलना चाहिए। ईपीएफ इन लोगों को किसी को मिला है किसी को नहीं मिला है, ये महान क्या है, घपला है। ईपीएफ में तो हमको घपला लग रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सत्यनारायण चौपाल है, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक के हम यहाँ जिला अध्यक्ष हैं। ये सफाई मजदूर हमारे ही।